हेलो फ्रेंड्स, हंट्स वाले टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जब नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट में स्विच करते हो, दोस्तों इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं, 1 of 6 स्टेप कंप्लीट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस स्टेप को कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद अपना प्रोफाइल पे आपको चले जाना है। अपना प्रोफाइल पे चले जाने के बाद यहाँ आपको 1 of 6 स्टेप कंप्लीट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिले सबसे ऊपर में गेट इंस्पायर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है इस तरह से, यानी कि इन सबको आपको देख लेना है। इसके बाद आपको साइंटिक पे आपको क्लिक करना है। जितना आपको देखना है उतना देखने के बाद आपको साइंटिक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं साइंटिक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मेरे देख सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसको आपको बाद में आपको कंप्लीट करना है। इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको एक्सप्लोर टूल्स एंड इनसाइट पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको इनसाइट वाले गो टू इनसाइट पे आपको क्लिक करना है। और इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको व्यू इनसाइट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद सबको बैक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको एड्स वाले सेशन पे गो टू एड टूल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी बैक कर लेना है और यहाँ पे आपको साइंटिक पे आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिले ग्रो योर ऑडियंस, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको फ्लो कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अलाउ एक्सेस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से अलाउ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको साइंटिक पे आपको क्लिक करना है। तो ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गए। और इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिले देख सकते हैं टेल अस योर गोल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रीच को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहला। इसके बाद यहाँ पे मैं ईमेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको 2-3 ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स एंड मैसेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिले सबसे लास्ट स्टेप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक पोस्ट करना है। आप अपने हिसाब से अपना फोटो को भी पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना खुद का फोटो को पोस्ट कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे फिल्टर यूज करना चाहते तो फिल्टर को भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैं इस फिल्टर को यूज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको देखने को प्रोसेसिंग, इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप कैप्शन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने न्यू पोस्ट लिख दिया। इसके बाद आपको शेयर पे आप क्लिक करना है। और इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कट कर लेना है। पोस्ट करने के बावजूद भी ये स्टेप कंप्लीट नहीं हो रहे तो फिर से आपको पोस्ट करना है। तो फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोटो पोस्ट हो रहा है। देखिए, तो इस फोटो को यहाँ पे मैं अच्छी तरह से पोस्ट होने देता हूँ। देख सकते हैं फिनिश अप हो चुके हैं। इसके बाद अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर आपको चले जाना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है और यहाँ पे आपको कट कर देना है। तो देख सकते हैं मैंने 2-3 पोस्ट किया और यहाँ पे आपको देखने पर ऊपर में 5 of 6 स्टेप देखने को मिले थे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 6 स्टेप भी कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, इस तरह से 1 of 6 स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ घंटी के बटन है उसे नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले, तो मिलता है अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।